उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनाव जारी। इस बार हम इस रिपोर्ट में आपको ये स्पष्ट कर देंगे कि आखिर इस लोकसभा के चुनाव में इन दोनों सीटों पर गोरखपुर और फूलपुर में आखिर कौन जीतता नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि सपा और बसपा के गठबंधन ने जहां एक तरफ भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है तो वहीं कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में बसपा और सपा के एक साथ आ जाने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 23 साल बाद दोनों पार्टियां साथ आई। यह गठबंधन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को मिले वोट सपा कैंडिडेट को ट्रांसफर होते हैं तो बीजेपी दोनों सीटों पर हार सकती है। वहीं अगर 2014 की मोदी लहर पर अगर नजर डालेंगे तो यह गठबंधन बेकार हो जाएगा। दोनों सीटों पर 11 मार्च को वोट डाले जाएंगे, यानी कल, यानी आज निश्चित रूप से वोट डाले जाएंगे और नतीजे 14 मार्च को आएंगे। लेकिन उससे पहले ही हम आपको बता देंगे कि आखिर नतीजों में आखिर होगा क्या और हो क्या सकता है। इन सब बातों पर हम आपको खुलकर बताएंगे। जरा एक नजर डालिए विधानसभा चुनाव पर। 2017 के हुए विधानसभा चुनाव में फूलपुर लोकसभा सीट पे इलाहाबाद की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें फूलपुर विधानसभा, इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा, इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा और फाफामा विधानसभा, इन 5 सीटों पर अगर हम ठीक से नजर डालेंगे, और सोराव भी विधानसभा आता है जिसमें अगर हम ठीक से नजर डालें तो फूलपुर, फाफामऊ, इलाहाबाद पश्चिमी और सोराव और इलाहाबाद उत्तरी को छोड़कर लगभग इन 4 सीटों पर भाजपा पीछे रहती नजर आ रही है। अगर इन वोट बैंक पर नजर डालेंगे, अगर हम बसपा का वोट भाजपा में ट्रांसफर कर दें जो विधानसभा के नतीजे थे, तो इसमें भाजपा को भारी नुकसान नजर आता है। और इन सारी सीटों के वोटर को अगर हम मिला लें तो भाजपा को 4,39,000 समथिंग कुछ वोट मिल रहे हैं, तो वहीं इस सपा बसपा गठबंधन को 4,65,000। इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं सपा और बसपा गठबंधन फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर हमने डाले गोरखपुर में, तो वही गोरखपुर में भी यही नतीजा आ रहा है कि वहां पर भी सपा और बसपा गठबंधन भारी पड़ रहा है। गोरखपुर की सभी विधानसभा सीटों पर नतीजों को जोड़ दिया जाए। हाँ, वही अगर लोकसभा पर नजर डालें तो लोकसभा की उस लहर पर, 2014 की लहर को अगर नजर डालेंगे तो उसमें गोरखपुर की सीट और फूलपुर की सीट इस लहर के मुताबिक मोदी जी के पाले में जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस लोकसभा के नतीजे ये बहुत मायने रखेंगे, और इस मायने के हिसाब से तो फूलपुर की सीट सपा और बसपा गठबंधन की तरफ जाती नजर आ रही है। वहीं गोरखपुर की सीट सपा और बसपा के गठबंधन पर जाती नजर आ रही है। खैर, इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो अतीक अहमद को और कांग्रेस को हो रहा है। अच्छा, एक बात और इसमें नजर आ रही है कि बसपा और सपा के एक साथ आने से जहां इन दोनों दलों के नेताओं की उम्मीदें जाग गई हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश नदारद है, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं का भी ये गठबंधन कांशीराम और मुलायम वाला नहीं नजर आ रहा है। उनको बुआ और बबुआ वाला नजर आ रहा है। जो पहले आपस में तंज एक दूसरे पर कसते थे, आज वे सभी एक हो। लेकिन खैर, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 14 मार्च को नतीजा स्पष्ट रूप से किसको मिलेगा। लेकिन अभी का सिनेरियो ये बताता चल रहा है कि सपा और बसपा का गठबंधन भारी पड़ेगा बीजेपी पर, और यह भारी भरकम गठबंधन आखिर कितना भारी पड़ेगा, और आखिर भारी पड़ेगा तो ये भार बीजेपी सह कर खुद को उभार पाएगी या नहीं, यह 14 मार्च तक। खैर, ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड